पॉली, काफ़ी बार डिस्कशन हुआ है और मुझे लगता है कि ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो मार्केट को स्टॉक ने आउट परफॉर्म किया है। मुझे ऐसा लगता है कि मीडियम टर्म परस्पेक्टिव उसके स्टॉक को खरीदना है। अभी स्टॉक चल रहा है 1100 के आसपास, लेकिन ओवरऑल अगर देखेंगे एनर्जी तो 930 लोअर एंड ऑफ द रेंज है और समवेयर अराउंड 1300 अपर एंड ऑफ द रेंज है। मुझे लगता है कि 1100-1120 के आसपास मिल रहा है, थोड़ा सा कूल ऑफ हो, 1050 तक मिले तो भी खरीदिए। अगर इसको 3 से 4 महीने का टाइम दिया जाए तो मुझे लगता है 1400 के टारगेट यहाँ पे आ सकते हैं। तो अनिल जी, 1120 चल रहा है, बाय ऑन डिक्लाइन और एट दिस करंट मार्केट प्राइस, मतलब 100 शेयर खरीदने तो 30 शेयर तो अभी ले लीजिए, बाकी के जो 40 शेयर बचते हैं या 70 शेयर बचते हैं वो अगर 1050 तक आता है तो खरीदना चाहिए। मुझे लगता है 970 का यहाँ पे क्लोजिंग बेसिस पे स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए और यहाँ पे ₹1400 के इनिशियल टारगेट्स के लिए खरीदना है जिंदाल पॉली को। नाम है डिक्सन टेक्नोलॉजीज को शॉर्ट करना है, 3600 के आसपास चल रहा है। मैं कैश के लेवल बोल रहा हूँ, फ्यूचर में मुझे लगता है 3580 के आसपास चल रहा है। अनिल जी देखिए, फ्राइडे में एक वॉल्यूम के साथ में ब्रेकडाउन आया था और अगर आप देखेंगे तो 3200-4000 रुपीज का एक अच्छा इंटरमीडिएट बाउंस कह सकते हो चुका है। आज जब आईटी स्टॉक्स में वीकनेस है, मुझे लगता है ये स्टॉक में ऑलरेडी इनहेरेंट वीकनेस है और जिस हिसाब से अपने चैनल पर भी डिस्कस हुआ है कंसर्न्स अबाउट द मार्जिन, पेपर थिन मार्जिन वगैरह, और अगर कहीं ना कहीं आईटी स्टॉक्स में बिकवाली आती है तो ये स्टॉक ज़्यादा अंडर परफॉर्म कर सकता है। तो डिक्सन को शॉर्ट करना है मौजूदा स्तरों पर, स्टॉप लॉस रखना होगा 3700 का, 3500 और 3300 के टारगेट के लिए डिक्सन टेक्नोलॉजीज को शॉर्ट करना है।